लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तेजस्वी के घर पर आरजेडी समर्थकों ने हंगामा किया है। तेजस्वी के घर भारी पुलिस बल पहुंच गया है। आरजेडी विधायक के लापता होने की खबर के बाद ये हंगामा हुआ है। दरअसल चेतन आनंद के भाई ने थाने में शिकायत की है और ये शिकायत की गई है कि वो लापता हैं, और लापता होने की शिकायत के बाद पुलिस पहुंच गई है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। जिस तरीके से कल बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, सियासी गणित को साधने की कोशिशें चल रही हैं। तेजस्वी के घर पर ही सभी विधायक हैं और इन सबके बीच तेजस्वी यादव की आवाज से आरजेडी समर्थकों के हंगामे की खबर आ रही है। तेजस्वी के घर पर भारी पुलिस बल पहुंच गया है। मामला दरअसल सामने आ रहा है कि आरजेडी विधायक जो हैं, चेतन आनंद के भाई ने थाने में शिकायत की है कि वो लापता हैं, और इसी लापता होने की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जबरदस्त हंगामा वहां पर इस वक्त हो रहा है। तो तेजस्वी यादव के आवास की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर हंगामा हो रहा है। निधि हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, ये जो पूरी खबर है ये क्या है, लापता होने का मामला और इस वक्त क्या चल रहा है तेजस्वी यादव के आवास पर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और तस्वीरों के सहारे तमाम दर्शकों को जानकारी। ये तेजस्वी आवास के बाहर की तस्वीर है जहां बड़ी संख्या में आपको समर्थक दिखेंगे, और थोड़ी ही देर पहले, महज चंद मिनट पहले यहां से पुलिस निकली है। वो पुलिस जो पिछले लगभग 15-20 मिनट से यहीं पर मौजूद थी, जिसमें SDM, CTSP और बड़ी संख्या में यहाँ फोर्स तैनात किए गए थे। बकायदा ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर में यहाँ हंगामा हो जाएगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे साथ कुछ समर्थक भी हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी दे दूं कि दरअसल इससे पहले कि यहाँ कोई कुछ समझ पाता, एक जानकारी पुलिस को मिली अंशुमन की तरफ से। अंशुमन कौन है? चेतन आनंद के छोटे भाई, वो चेतन जो शिवहर से विधायक है, उनके भाई की तरफ से ये पुलिस में शिकायत, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें ये कहा गया कि मेरे भाई गायब है, आखिरी बार मेरी बहन के मोबाइल पर संपर्क हुआ था उनसे और उसके बाद कोई उनका अता पता नहीं है। उसके बाद पुलिस यहाँ अचानक ही देर रात यहाँ पहुंचती है तेजस्वी आवास पर, जहां पर विधायक चेतन आनंद ठहरे हुए हैं कल से। और ये तस्वीर देखिए उनके समर्थकों की, जो इस वक्त हंगामा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? हंगामा हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी जिससे कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन आई और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसको भांप चुके हैं कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो इसको भांपने के साथ साथ उनको पता हो चुका है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम अपना किसी प्रकार से पुलिस तंत्र को सरकारी दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार के जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुपयोग कर करके। मिसिंग है तो मिसिंग को ढूंढने आएंगे ना, पुलिस बल तो आएगी। नहीं नहीं, ये डराने की कोशिश की जा रही है। देखो भारत और बिहार की जनता, ये रात के अंधेरे में 4 दिन से मिसिंग नहीं हुआ, अचानक क्या हो गया खलबली? नीतीश कुमार की डराने की कोशिश, लोकतंत्र का हत्या प्रशासन के द्वारा भेजा गया ताकि रात के अंधेरे में तितर बितर कर दे विधायक को, डरा दे कि प्रशासन आ गया, भागा दौड़ी हो जाएगा, इसलिए इस तरह का खेल करना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो हम लोग डटे हुए हैं। समर्थक वो कह रहे हैं कि दरअसल कोई मिसिंग का मामला नहीं है, ये कोशिश बस इतनी है कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।